कपूरचंद कुलिस स्मृति वन में आज सुबह फिर पैंथर के मूवमेंट से दहशत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो देर रात एक बार फिर मादा पैंथर पूजा का मूवमेंट जैलन मार्ग स्थित कुलिस वन में देखा गया, जिस कारण से एहतियात के तौर पर एक बार फिर आज सुबह कुलिस वन को बंद कर दिया गया। देर रात मूवमेंट का पता लगने के बाद आज सुबह वन में आए मॉर्निंग वॉकर्स को यहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया। हालांकि इससे मॉर्निंग वॉकर्स ने गुस्सा जरूर जताया, लेकिन फिर वह अपनी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी को समझते हुए वापस लौट गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जालाना के जंगल से पैंथर निकलकर स्मृति वन में पहुंचा हो। सितंबर के माह में भी इसी तरह से पैंथर स्मृति वन में पहुंचा था, जो बार बार ट्रैप कैमरे तक में कैद हुआ था और यहां स्मृति वन में रखे पिंजरे में आखिरकार पकड़ा गया था। इस कारण 15 दिन तक स्मृति वन को बंद भी करना पड़ गया था। जालाना वन क्षेत्र से एक बार फिर पैंथर के आने की सूचना से वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। सितंबर माह में बार बार मूवमेंट आबादी के बीच हुआ था। MNIT के पीछे की तरफ पहाड़ी पर पैंथर की सूचना मिली थी, तो ललित कला अकादमी में भी पैंथर ने स्वान का शिकार किया था। फिर ये कुलिस स्मृति वन में आ गया था, जहां से ये पकड़ा गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जब तक पैंथर के पकड़े जाने या जंगल में चले जाने की स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक कुलिस स्मृति वन को बंद रखा जाएगा। जालाना संस्थानिक क्षेत्र में पहले भी मादा लेपर्ड आ चुकी है। हालांकि सितंबर माह में भी इसने वन विभाग को खूब दौड़ाया था, जिसके बाद कपूरचंद कुलिस स्मृति वन को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया। विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए तब जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए थे, अब फिर मादा लेपर्ड को तलाशने में वनकर्मी लग गए हैं। अब सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार सुबह से स्मृति वन में प्रातःकाल भ्रमण व दिन में आने वाले पर्यटकों के लिए अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसके लिए नोटिस दोनों प्रवेश द्वारों पर चस्पा कर दिए गए हैं। वहीं वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि पैंथर अपनी टेरिटरी के चक्कर में बार बार आबादी क्षेत्र में चले आते हैं। पुलिस स्मृति वन में पेड़ पौधे होने से और जंगल जैसा माहौल होने से पैंथर यहाँ डेरा जमाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ जंगल की तरह ही महसूस होता है, जिस कारण से वह बार बार यहाँ आता है। क्योंकि जालाना में लगातार पैंथर्स की संख्या बढ़ रही है और ये एक दूसरे की टेरिटरी में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, जिस कारण से अब यह छोटे हो रहे जालाना जंगल से बाहर निकलकर अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए बार बार आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर जंगल में इनके लिए पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था हो तो वहां से बाहर नहीं निकले। एक बार फिर ये मादा पैंथर पूजा ही है जो इस बार भी स्मृति वन में आई है। स्मृति वन में पूजा का बार बार मूवमेंट देखा गया है। सितंबर माह के बाद एक बार फिर पूजा स्मृति वन में आ गई है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान पत्रिका के इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।